वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे भी रहिए, स्वस्थ रहिए। तो देखिए छत पे गाइस कितनी धूप निकली है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिन के बाद इतनी अच्छी धूप खिली है। और कुछ कपड़े मैं पहले धो चुकी थी और कुछ और लेके आई थी सुखाने के लिए। देखिए सामने कितनी धूप है, तो मैं सुखा लेती हूँ अपने कपड़े। इतनी धूप है कि आप अगर धूप में बैठेंगे तो आपका मुंह पूरा लाल हो जाएगा। कल आए थे मेरे यहाँ मेहमान, और मेहमान क्या है, फैमिली मेम्बर ही हैं। कभी कभी आते हैं तो हम लोग मेहमान बोल देते हैं। वैसे एक्चुअली मेरी ननद आई थी कल और वो मेरे लिए कुछ लाई थी, वो मैं अभी नीचे जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो बात ऐसी है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो छोटे होने में ये तो है कि सबको आपको मान सम्मान देना होता है और बहुत से काम भी करने होते हैं, लेकिन छोटे होने का एक फ़ायदा ये भी है कि सब बड़े लोग आपको गिफ्ट बहुत देते हैं। क्योंकि छोटों से तो कोई ज़्यादा उम्मीद करता नहीं है, लेकिन सब बड़े ही मेरे को बहुत कुछ देते रहते हैं। तो वो भी अक्सर आती हैं, बहुत अच्छी हैं और तो अक्सर मुझे कुछ ना कुछ देती हैं, तो वो मैं आपको अभी नीचे जाके दिखाऊँगी। चलिए अभी देख लेते हैं थोड़ा ऊपर का मौसम कैसा है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप धूप का अंदाज़ा ऐसे लगाइए, अभी मैं छाँव में हूँ और ये देखिए ये आ गई धूप। छोटा सा पपी, मैं धूप की तरफ करती हूँ कैमरा, देखिए देखिए कितना अच्छा है। एक्चुअली मैं अपनी नंद से बहुत छोटी हूँ और वो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं और अक्सर कुछ ना कुछ लाती रहती हैं। तो ये कलाई थी, तो ये लाई थी, देखिए ये ऐसा है सूट का कपड़ा और ब्लैक इज माई फेवरेट, तो बिल्कुल मेरी पसंद का ही लेकर आई हैं। ये ऐसा है फ्रेंड्स, इसको मैं सिले डालूंगी और जब ये सिल जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी दूंगी, देखिए कुछ इस टाइप का लगेगा। देखिए अभी तो खैर सिलाई नहीं है, बस ऐसे ही मैं लगा के दिखा देती हूँ। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये इसका बॉर्डर है। वैसे मेरी ननद की च्वाइस भी बहुत अच्छी है, जो लाती हैं बहुत अच्छा लगती है। और
ये उसके नीचे जो पैंट्स बनवाएंगे ये उसके लिए है, और कैसा सिलवाना है ये तो मेरी अपनी चॉइस होगी, बट मॉडल अच्छा लगेगा। पूरा लुक तो तभी समझ में आएगा जब मैं सूट पूरा सिलवा लूँगी, और उसके साथ में ये गोल्डन बटन्स भी मिले थे जिसमें पैंट्स बनवाऊँगी तो नीचे लगा लूँगी अपने, और यहाँ नेक पे जो लगते हैं सूट पर वो भी लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स पूरा सिलने के बाद फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको सूट पहन के भी दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आप फ्रेंड्स, मैं आई हूँ कपड़े उतारने, और दोपहर में जब आई थी तो बड़ी धूप थी, अब मौसम देखिए अब शाम हो गई। अब जिधर मैंने आपको धूप दिखाई थी वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि धूप अब चली गई है और मौसम अब इस टाइप का हो गया है। और हम लोगों का जो घर है वो बहुत ही कॉर्नर पर है, तो यहाँ से बहुत शोर आता है जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं। ये लो आदि मुझे कप देने चले आ रहे हैं छत पे, कहीं भी मम्मी को छोड़ना मत, यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे भी मम्मी को काम बता दो। चलो मैं कप अभी यहीं रख देती हूँ। और आदि को अपने फूफा जी बहुत पसंद हैं, और वो भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही जेंटलमैन है। अब वो रोज़ मेरे आते हैं क्योंकि उनको बच्चे बहुत प्यार करते हैं, और वो उनका भी बच्चों के बिना मन नहीं लगता है। एक्चुअली उनके दोनों बच्चे जॉब पे चले जाते हैं तो उनका भी कौन है। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो भी फ़ौज वालों की जो पत्नियाँ होती हैं वो ये सोचती हैं कि जब भी हमारे हस्बैंड रिटायर होंगे फिर हम लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि जब तक जॉब में रहते हैं वो लोग बहुत ही दूर दूर रहते हैं और इतना मिल नहीं पाते। हाँ सब्जी लानी है। फूफा जी जा रहे हैं क्या? हाँ फूफा जी जा रहे हैं, तो जाओ मैं बता दूंगी नीचे आकर, अभी मैं फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। ओके, तो मैं ये बताना चाहती थी कि जब साथ रहने का समय आया था तब मेरी ननद भगवान के पास चली गई थी, और जिया जी ने अपना काफ़ी समय उनके बिना बिताया है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो डेली आते रहें, उनका मन भी लगा रहेगा और हम लोगों का भी मन लगा रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आदि की शैतानी छत पे आती शुरू हो गई है। गुड इवनिंग बोलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग, थोड़ा दूर जाके बोलो, बिल्कुल कैमरे के अंदर आ रहे हो, निकल के फ्रेंड्स के पास ही चले जाओगे क्या? और देखिए आदि भी ऊपर आ गया है, और वो जो साथ में खड़े हैं वो आदि के फूफा जी हैं, यानी मेरी ननद के हस्बैंड, और वो आर्मी में थे। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आर्मी के जो भी बंदे होते हैं वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो हर काम खुद अपने आप करना जानते हैं, और वो अब रिटायर हो चुके हैं फौज से, बट वो अभी भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं अभी भी लगता है जैसे आर्मी में ही हैं, हर काम खुद ही कर लेते हैं अपना। बहुत ही मुश्किल समय बिताया है उन्होंने देश की सेवा के लिए,